सो हे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन की। देखो, मीन को हम लोग बेसिकली वैसे बोलते हैं एवरेज। अब ये एवरेज क्या है ये भी समझेंगे। जब भी मीन की बात करेंगे तो हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला ये वाला। यहाँ पर है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है अभी समझो। जैसे कि हमारे पास, जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम में हमें मार्क्स मिलता है। तो सपोज करो हमारा एग्जाम हो रहा है, ओके, ये एग्जाम्पल है एक। तो हमारे 10 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें आ रहे हैं किसी में 5, ओके। तो किसी में 10 मार्क्स में हमें आ रहे हैं मिल रहे हैं 9। तो किसी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स में हमको मिल रहे हैं कितने, 10 मार्क्स में मिल रहे हैं 4 मान लो, या फिर 8 कर लो, ठीक है, ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर 10 मार्क्स में कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 4, क्लियर है। तो ये मान लो कि हमारे एग्जाम हुए हैं, तो 10 मार्क्स में हमें मिले हैं 5, 9, 8, 4, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ना, इनके हमें करना है सम। तो सम करते हैं, तो यहाँ पर है 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, डिवाइड में। अब यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल। तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे पास 4, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में देखो भैया क्या आता है, यहाँ पर है हमारे पास क्या 4, और ये है 8, तो हो गया 12, और ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 21, और 5 हो जाएगा ये 26, और 26 से डिवाइड में आ गया हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 6.5, ठीक है, इसको डिवाइड करने में। तो ये 6.5 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एवरेज। अब ये एवरेज क्या है इसको अच्छे समझो। सपोज करो तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे पास कैंडी है अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बांटने के लिए। अब जो तुम्हारे दोस्त हैं वो टोटल दोस्त हैं तुम्हारे पास 50, ठीक है, और जो तुम्हारे पास कैंडी है वो है तुम्हारे पास 100। अब उस कैंडी को तुम्हें क्या करना है, सभी दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लियर है। तो दोस्त है तुम्हारे पास 50 और कैंडी है 100, तो पूरी कैंडी को अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एवरेज निकालोगे कितनी कैंडी कितने दोस्त को देनी है। सपोज यहाँ पर 50 है हमारे पास और 100 कैंडी है, तो यहाँ पर 100 कैंडी 50 स्टूडेंट है, मतलब दोस्त है, तो उनको दो दो कैंडी दोगे तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली। तो वही चीज, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम्हें ऐसा एवरेज निकालना होता है कि अगर हम लोग उसको इक्वली हर एक में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो एवरेज क्या होना चाहिए, इक्वली सब में बढ़ जाना चाहिए, इस तरह का हमें एवरेज निकालना होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 6.5 की, तो ये 6.5 जो आया है अगर हम इन सभी में रखते हैं तो ये सभी इक्वली हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज। तो ये हो गया मीन। मीन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा ये है, ठीक है, ये तो सिंपल वाला है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि यहाँ पर है, जैसे टेबल दी गई है और इसमें कोई डेटा दिया गया, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ओके। तो यहाँ पर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको निकालने के लिए दूसरा तरीका होता है। ये तो हो गया सिंपल एवरेज निकालने के लिए। अब ये होता है अलग तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अनग्रुप टाइप के, तो उनको निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जहां पर लिखा हुआ है वेट इन केजी, नंबर ऑफ पर्सन है, और यहाँ पर FI into XI है, ठीक है, इसको अभी समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वेट गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन है। तो जिनका वेट है 67 वो हमारे पास टोटल 4 पर्सन है, ठीक है, 4 पर्सन है ऐसे जिनका वेट है 67, 3 पर्सन ऐसे हैं जिनका वेट 70 है, और 2 पर्सन ऐसे जिसका वेट 72 है, और 2 पर्सन और हैं जिनका वेट 73 है, ठीक है। तो ये वेट हो गया, ये पर्सन हो गया। तो जो वेट है ना इसको हम लोग XI बोलते हैं, और जो हमारे पास पर्सन है नंबर ऑफ पर्सन उन्हें FI बोलते हैं। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे FI into XI 4 into 67 268 3 into 70 तो 210 हो गया, और 72 into 2 करेंगे 144 हो जाएगा, और 73 into 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 146, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब जब भी इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें यही करना पड़ता है, तुम्हें XI और FI दिया होगा, FI into XI क्या करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब सिंपल है, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो करना आता ही है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो इस बार जो मीन होगा हमारा, इस मीन में हमें लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये देखो बना है हमारे पास जो साइन है ना इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सिग्मा है। तो सिग्मा FI into XI डिवाइड में सिग्मा FI, ये होता है फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो देखो सिग्मा का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि FI और XI इसका होगा सम। तो ये FI into XI है ना, इन सभी का हम लोग कर देंगे सम, तो सिग्मा FI into XI = 768 आ गया।
अब यहाँ पर भी हमने सिग्मा लगा दिया है, सिग्मा एफ आई का मतलब हो रहा है इन सभी का हो जाएगा सम, तो यहाँ पर आएगा टोटल 11। तो जब हमने क्या किया, एफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई रखा 761, ओके, और सिग्मा एफ आई की जगह पर रखा 11, तो हमारे पास कुछ ये आ गया, क्लियर है। अब इसका हम लोग कर देंगे डिवाइड, सो जो हमारा आंसर आएगा ना इसको डिवाइड करने में वो समथिंग आ जाएगा हमारे पास 69.81 एंड सो ऑन, अप्रोक्स यही आएगा। तो जो इसकी एवरेज वैल्यू हो गई, वो एवरेज वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इक्वली इस वेट को सभी हम लोग पेशेंट पर्सन में बांटेंगे तो सभी को, सभी का वेट समथिंग ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या होगा, मीन का मतलब। तो मीन निकालने के दो फॉर्मूले, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, समझ गए। और मीन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना होता है, तो ये मीन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मीडियन की। तो यहाँ पर जो हमारे पास मीडियन है ना, तो मीडियन का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल, और मिडिल है हमारे पास क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि बैक बेंचर है हमारे पास, एक बैक बेंचर मान लो, पांच बैक बेंचर है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब यहां पर मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन का मतलब होता है यहां पर मिडिल ऑब्जर्वेशन। देखो मिड मतलब होता है बीच में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे क्लास में जो बैक बेंचर होते हैं ना, तो मान लो कि जो बैक बेंचर है टोटल पांच बैक बेंचर बैठे हुए एक साथ। अब इसमें कहेंगे जो इसमें बीच में बैठा हुआ है वो कौन सा है, फाइंड करो बीच में बैठा वाला। तो देखो दो यहां से इक्वल हो गया, दो यहां से इक्वल हो गया, बीच वाला हो गया ये वाला, ये जो बंदा हो गया ये हो गया हमारा मिडिल, ठीक है, जो बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास बैक बेंचर है ना वो कितने हैं, पांच है। पांच तो हमारा ऑड नंबर होता है, और जब भी ऑड नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तब उसमें हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मगर अब जब हम लोग बात करते हैं इवन नंबर, मान लो यहाँ पर हमारे पास बैठे हुए छह बच्चे, ठीक है, तीन चार पांच छह। अब इसकी मिडिल पूछेंगे कि मिडिल में कौन है, तो भैया मिडिल में हमारे पास ये दो आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में हमें लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर अभी नंबर है, ये जैसे कि एग्जांपल ले लिया, ये 5 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, 7 है, 2 है। अब इसको हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, मतलब छोटे से फिर बड़े में लिखना है, ठीक है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर करना है इसे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 3 है, 3 कर दिया, फिर इसके बाद हमारे पास 5 है, 5 कर दिया, फिर यहाँ पर 6, फिर हो गया 7, ये हो गया 8, फिर हो गया हमारे पास 9, ठीक है, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसमें करना क्या है, हमने इसे काउंट किया, देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 मतलब ये हो गया हमारे ऑड, तो ऑड वाला हम लोग लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो हम लोग लगाएंगे, मगर यहाँ पर एन का मतलब क्या हो रहा है, एन, ये जो एन है इसका मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 7 है। तो n की जगह पे हमने लिख दिया 7, प्लस कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, डिवाइड में 2 है, 2 कर दिया, और यहाँ पर th लिखा है, th टर्म लिख दिया हमने, ये हो गया टर्म, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करो तो टोटल आ जाएगा 8/2, और यहाँ पर th हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 से करो तो 4th आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4th टर्म। अब ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये बता रहा है कि ये जो हमारा 4th टर्म होगा तुम्हारे नंबर्स पे इस क्वेश्चन पे, वही तुम्हारा होगा मीडियन। तो 4th देखो कहाँ पर है, 1 2 3 4, ये हो गया 4, तो मतलब क्या हुआ, जो 6 है, 6 हो गया हमारा मीडियन, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास आंसर। मगर कहोगे यहाँ पर तो टोटल 7 है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है, हम लोग ऐसे बीच में बता देंगे ढूंढ के कि बीच में कौन है, चलो ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल हमारे पास नंबर होते 100 या फिर 200 होते या फिर 1000 होते, तब कैसे ढूंढ के बताते कि बीच में कौन है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है यहाँ पर फॉर्मूला। अगर सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हो जाते मान लो 151 होते या फिर 150 होते, ठीक है, 151 होते या फिर 150 होते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग को रख देना है एन की जगह पे, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड में 2 कर देना, बस वो आ जाएगा हमारा बीच का टर्म। जैसा भी करना है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर रख दो और सब कुछ सॉल्व कर दो, ठीक है। और ये हमारा 4th है, ये ध्यान रखना, इसको हमेशा आंसर मत मान लेना, इसका मतलब ये हो रहा है जो तुम्हारा 4th नंबर पे, जो भी 4th प्लेस में जो भी नंबर है वो है तुम्हारा सॉल्यूशन, वो है तुम्हारा मीडियन, समझ गए। तो चलो, तो ये हो गया ऑड की। अब बात करते इवन में, तो भैया अगर हम लोग एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इवन वाला, तो
तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टू, लिख दिया हमने, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और यहाँ कर दिया नाइन, और यहाँ पर कर दिया हमने टेन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये बन गया हमारा इवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हो गया। अब हमें इसमें क्या बताना, मीडियन। मीडियन मतलब हो रहा है यहाँ पर बीच वाला टर्म हमें बताना। तो कैसे बताओगे? जब भी इवन की बात होगी तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? तो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि n बाई टू, n मतलब हो रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो यहाँ लिख दिया हमने एट, डिवाइड में आ गया टू, ओके, और यहाँ पर हमने कर दिया टी एच। क्लियर है? प्लस, और यहाँ पर भी ये n, n मतलब हो गया एट, डिवाइड में हो गया टू, प्लस हो गया वन, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास टू, और यहाँ पर हो गया टी एच, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया टू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको करो तो ये हो गया फोर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फोर्थ। क्लियर है? और ये प्लस हो गया, प्लस कर दिया। अब ये एट है, प्लस वन करो, अभी ऐसे करो तो ये हो जाएगा हमारे पास, पता है कितना हो जाएगा, टेन बाई टू होगा, और टेन बाई टू को अगर करोगे डिवाइड तो यहाँ पर फाइव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ बाई टू। अब इन दोनों को प्लस नहीं करना है, क्या करना है, इन दोनों को प्लस नहीं करना है। अब इसमें ढूंढोगे फोर्थ में, फोर्थ प्लेस में कौन सा नंबर है, वन टू थ्री फोर, फोर्थ में है सिक्स, तो हमने सिक्स लिखा, यहाँ पर प्लस कर दिया। फिफ्थ में कौन सा है, तो फिफ्थ में भैया ये है सेवन, तो हमने कर दिया सेवन, डिवाइड में कर दिया टू। ओके, अब देखो इसे करो तो कितना आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिक्स पॉइंट फाइव। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा मीडियन, बीच की वैल्यू, समझ गए? तो यही हो गया मीडियन का मतलब। बस दो ही, इसमें दो तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, एक ऑड या फिर इवन। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, जो है हमारे पास मोड, सबसे सिंपल सबसे इजी। ठीक है, मोड का मतलब होता है सिंपल सी बात में, सब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसी को मोड बोल देना। देखो यहाँ पर लिखा है द वैल्यू डेट अपियर मोस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डेटा सेट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है 10, 9, 6, 4, 6, 8, 2, 6, सबसे ज्यादा नंबर कितनी बार आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर 6 की, तो 6 हमारे पास सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और जो 6 है ना वो ज्यादा बार आ रहा है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर हम लोग जो कहेंगे जो 6 है वो हमारा हो जाएगा मोड। बस ये होता है मोड का मतलब। तो बेसिकली मीडियन और मीन, इसको अच्छे समझ लेना, तो मोड में तो कुछ रखा ही नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे एग्जांपल एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।